बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइल फॉर टोर बिहार। बिहार में शनिवार को अंबेडकर जयंती के नाम पर जमकर राजनीति हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बीच नजदीकी और बढ़ गई। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि पासवान जाति को अब वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक महादलितों को मिल रही हैं। यह भी पढ़ें, क्या बिहार में नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए छोड़ बनाएंगे नया मोर्चा। नीतीश ने यह घोषणा रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति द्वारा आयोजित एक दलित सम्मेलन में की। नीतीश ने इसके अलावा इस सम्मेलन में चौकीदार तहसीलदार के रिटायर होने पर उनके ही बच्चों को नियुक्त करने की घोषणा की। राज्य में इन दोनों पदों पर अधिकांश पासवान जाति के लोग काम करते हैं। इसके अलावा वह उन्होंने उनके वर्दी के लिए भी राशि बढ़ाकर दो गुना करने को घोषणा की। यह भी पढ़ें, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा ट्वीट करने के लिए तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। पासवान जाति के लिए नीतीश कुमार की घोषणा प्रत्याशित थी। माना जाता है कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान के साथ भविष्य की राजनीति, खासकर एनडीए के अंदर एक गुट बना रहे हैं, जिससे भविष्य में भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे पर उनका पलड़ा भारी रहे। इसके अलावा नीतीश को इस बात का अंदाजा है कि महादलित वर्ग के कुछ जाति जैसे रविदास, पासी और मांझी फिलहाल राजद के साथ जुड़ गए हैं। वीडियो, न हम एनडीए तोड़ेंगे और न नीतीश पासवान। समारोह में भाषण देते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार के तारीफ के पुल बांधे। पासवान ने कहा कि जैसे नीतीश ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, वैसा कोई सात जन्म में नहीं कर सकता। उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती दी कि वो क्यों नहीं जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत जुटाते हैं। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।